एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रोटीन के बारे में पूरी बात की थी कि प्रोटीन कितना फ़ायदेमंद होता है कितनी मात्रा में ज़रूरी होता है इसको ज़्यादा लेने से क्या होता है और इसकी कमी से क्या होता है लगभग सारी जानकारी मैंने दी है तो आप प्लीज़ एक बार चाहिएगा और मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आज का मेरा टॉपिक है फैट जिसको जनरली हम ऑयल बोलते हैं बायोलॉजिकली इसको लिपिड बोला जाता है ये बना होता है फैटिक एसिड से और वैरायटी ऑफ फैटिक एसिड प्रेजेंट है हमारे नेचर में तो जो फैट होता है हम लोग का जो मिथ बन चुका है दिमाग में कि फ़ैट अच्छी चीज़ नहीं होती है फ़ैट नहीं खाना चाहिए ज़्यादा तो मैं आपको बता दूँ फ़ैट खाने से इंसान फैटी नहीं होता है फ़ैट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है फ़ैट तो, इंसान फैटी होता है कार्बोहाइड्रेटरेस्ट फूड ज़्यादा खाने से जो कि मैंने अपने एक वीडियो में पूरा बताया है आ, कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है और अगर उससे भी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वो फिर आ, फैट के रूप में चेंज हो हो जाता है जो कि हमें ओबिसिटी देता है तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि फ़ैट बहुत ज़रूरी है और इसको आप मील में स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको खाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो मैं आगे चल के बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स फैट ना फैटी एसिड से मिलके बनता है और फैट डाइजेस्ट होगा तो अगेन ही फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा फैटी एसिड के बेसिस पे हम फैट को डिवाइड कर सकते हैं कैटेगराइज कर सकते हैं सैचुरेटेड फ़ैट अन फ़ैट और ट्रांस फैट में सैचुरेटेड जनरली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है इसको हम ऑयल बोल सकते हैं वैरायटी ऑफ ऑयल्स प्रेजेंट हैं जो भी वनस्पति ऑयल होते हैं तो ये सैचुरेटेड फ़ैट होते हैं और जनरली इनको अच्छा नहीं माना जाता है हेल्थ के लिए और नेक्स्ट इज़ अनसैचूरेटेड फ़ैट तो अन नट्स में सीड्स में सी फूड में और मतलब जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं उनको हम सैचुरेटेड बोलते हैं सॉरी अनसैचुरेटेड बोलते हैं और ये हेल्दी होते हैं इनको हेल्दी फैट बोला जाता है और इसमें भी मोनो अनसेचुरेटेड है पॉली अनसेचुरेटेड है जिसमें कि पॉली अनसेचुरेटेड जो कि हमें सी फूड से मिलता है नर्स से मिलता है सीड्स से मिलता है जिसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए इसको इसेंशियल फैट भी बोला जाता है ठीक है तो नेक्स्ट इज ट्रांस फैट ट्रांस फैट बहुत ही खराब फैट होती है और जनरली हमें ट्रांस फैट ही देती है जो हमें हमारे मोटापे की वजह होती है और मतलब ट्रांस फैट को नहीं लेना चाहिए और ये मिलता है जैसे कोई भी हम सैचुरेटेड फैट को बार बार गर्म कर दे रहे हैं तो वो ट्रांस में मतलब बॉन्ड्स में कुछ चेंजेस होते हैं जिससे सिज बॉन्ड ट्रांस बॉन्ड में चेंज हो जाता है और बन जाता है ट्रांस फैट तो जनरली जो मार्केट में फ्राइड चीज़ें मिलती रहती हैं तो मतलब वो उसमें ट्रांस फैट पाया जाता है तो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए जंक फूड से फ्राइड फूड से और हाँ अगर फ्राइड भी है और स्वीट भी है मीन्स फैट ट्रांसफैट विथ शुगर ये तो जहर है इसको तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए हमें तो थोड़ा ध्यान रख रख के हम अपनी हेल्थ को अच्छा बनाया बना सकते हैं तो जो इसेंशियल फैट होते हैं या फिर जो अनसेचुरेटेड फैट है ये हमारी बॉडी के लिए कैसे काम करते हैं मैं आपको बताऊं मतलब बहुत सारी विटमिन्स हैं जो कि फैट में है विटामिन ए डी ई के तो ये विटामिन हम चाहे जितनी भी खा लेंगे कोई असर नहीं करेगा जब तक कि हम फैट इंटेक नहीं करेंगे क्योंकि जब ये विटमिन हमारी बॉडी में जाएंगी तो फैट में ही घुल के वो एसिमिलेट होंगी और उनका फायदा हमें तभी मिलेगा फैट हमारे फूड को टेक्स्चर देता है और टेस्ट देता है फ्ले मतलब फूड को अच्छा बनाता है तो फैट बहुत जरूरी है फैट हमारे सेल्स के लिए हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इसमें एक होता है कोलेस्ट्रॉल जो कि Uh, मतलब हमारा सेल का प्लाज्मा इम्रेन का बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट होता है सेकेंडरी सेक्स हारमोन्स में के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो कोलेस्ट्रॉल इज़ ऑल्सो नेसेसरी उसमें भी गुड एंड बैड होते हैं तो बैड नहीं लेना चाहिए मैं गुड कोलेस्ट्रॉल पर ऑप्ट करना चाहिए तो जनरली मैं आपको आम भाषा में बताऊँ तो सीड्स है, हैं नट्स हैं और uh, सी फूड हैं uh, फिश ऑयल uh, भी जो नॉन वेजिटेरियन है या फिर जो ओमेगा फैटी एसिड्स के कैप्सूल आते हैं वो ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स ओमेगा नाइन तो बहुत जरूरी होता है हमारे स्किन के लिए हमारे हेयर हेयर के लिए एंड uh, हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो आई थिंक आपको फैट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा फैट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और हमें इसको ध्यान से लेना चाहिए मींस थर्टी ग्राम फिफ्टी ग्राम उससे ज़्यादा ना हो उससे ज़्यादा होने पर फिर, फिर वो डिपॉजिट होने लगेगा और फैट जब आता है ना बॉडी में तो कई सारी बीमारियों को अपने साथ में लेके आता है मैं बताऊँ आपको मैं कुछ एक साल पहले मैं 75 फाइव सिक्स के जी की हो गई थी 76 सिक्स के जी की और उसके साथ साथ मेरी बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी जो कि फैट जैसे जैसे, जैसे गया ना वैसे वैसे वो सारी प्रॉब्लम्स भी अपने आप चली गई तो हम अपनी हेल्थ कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं पता है ये हमारे हाथ में क्योंकि सारी सेल्स की एक लाइफ होती है उसके बाद वो सेल डैमेज हो जाती है डेड हो जाती है नई नई सेल्स आती है हमारी बॉडी में तो हम अपनी सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं हेल्दी बना सकते हैं अपनी कोई भी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं ये सब हमारे हाथ में है और अच्छे खाने के साथ में हमें प्रैक्टिस करना चाहिए अफर्मेशन की मेडिटेशन की हमें पॉजिटिव थाट्स रखने चाहिए और मतलब जैसा हम सोचेंगे वैसे होता जाएगा क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी है आपको जो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो भी फिल्टर होके आता है हमारे माइंड में वो ब्रेन का जो बेस है हापोथैलमस वहाँ पे आके आ, सेटल हो जाता है और वहीं पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि बोली जाती है मास्टर ग्लैंड ठीक है तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मास्टर होती है वही रेगुलेट करती है इंड्यूस करती है हमारी बॉडी की सारी ग्लैंड्स को तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से हेल्दी मतलब रेगुलेशन उसका प्रॉपर होता रहेगा और हेल्दी रेगुलेशन होगा तो हमारी बॉडी में अच्छे अच्छे हारमोन बनेंगे सही क्वान्टिटी में बनेंगे और ये आ, मतलब हमारी बॉडी को के को अच्छा मैसेज देंगे हार्मोन्स एक्ट लाइक अ केमिकल मैसेंजर जो हमारी बॉडी में की सेल्स में जाते हैं उन्हें मैसेज देते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए तो जब हमारे थॉट्स हेल्दी होंगे पॉजिटिव होंगे तो अच्छे अच्छे हार्मोन निकलेंगे और फिर वो हमारी बॉडी से सारे सही से काम करवाएंगे उसमें भी डिजीज़ को जनरेट नहीं होने देंगे तो मैं आती हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में तब तो तक लिए बाय टेक केयर